हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर ऑफिशियल में। तो गाइस, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है और ये है कि पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB में कुछ वैकेंसीज निकली हैं। कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकली हैं, और आप ध्यान रखें कि डोडा, धुमपुर, कठुआ, बहुत सारी जगहों के लिए वैकेंसीज निकली हैं। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखना, और उससे पहले भाई जो भी चैनल पे नया है तो चैनल को यहाँ पे कर दो सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल न भूले। तो गाइस चलो चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि डोडा में और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में कितनी कितनी वैकेंसीज निकली हैं। तो गाइस मैं आ चुका हूँ नोटिफिकेशन पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है PNB जॉब रिक्वायरमेंट 2021। तो गाइज इसके बाद नीचे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट डिटेल्स बिलो, और टोटल जो पोस्ट हैं तो वो हैं गाइज 21, और डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं वो किस चीज़ की पोस्ट है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। आप देखिए, मैं थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है गाइज, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ प्योन। ये जो गाइज वैकेंसी है वो है प्योन्स की यानी चपरासी की है, इन सबऑर्डिनेट कैडर्स इन द ब्रांच ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। ये आप लिखा हुआ है पंजाब नेशनल बैंक में है, ये निकली है इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स अब जम्मू सर्कल अंडर। आप नीचे डिस्ट्रिक्ट पूरे दिए हैं और डिस्ट्रिक्ट में आपको दिखाता हूँ, और सबसे पहले आप याद रखेंगे ये प्योन की वैकेंसीज निकली हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी वो बताता हूँ मैं आपको। देखिए गाइज, सबसे पहले आपके सामने है जम्मू, जम्मू के लिए जो गाइज वैकेंसीज हैं वो 12 हैं, कठुआ के लिए 3 हैं, डोडा के लिए 2 है, उधमपुर के लिए 1 है, उसके बाद सांबा के लिए 1 है, रामबन के लिए 1 है, पुंछ के लिए 1 है। इस गाइज अब एलिजिबिलिटी की बात करें हम, द एलिजिबिलिटी ऑफ द क्राइटेरिया हैज अंडर। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, सबसे पहले गाइज यहाँ पे बोला गया कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ऑल कैटेगरीज पास इन 12th स्टैंडर्ड इट्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन मेंशन एज मिनिमम एज वेल एज मैक्सिमम। आपने मिनिमम जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन गाइज बोली है वो बोली है 12th। आपकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 12th होनी चाहिए विद बेसिक रीडिंग, जिसमें आपका नॉलेज हो इंग्लिश का और हिंदी का, जो इंग्लिश में आप लिख भी सके और पढ़ भी सके, इसके लिए आपके लिए बोला गया है। इसके बाद बात करते गाइज नीचे, यहाँ पर बोला गया है कि एनी अदर क्वालिफिकेशन अदर्स हायर देन द अबो विल नॉट बी टेकन इन टू द अकाउंट, ग्रेजुएट कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल। इसमें सिंपल सी बात बोल दी गई कि जो ग्रेजुएट बच्चे हैं वो एलिजिबल नहीं है, इसके लिए वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्योन की पोस्ट है और यहाँ पर 12th तक वालों को ही चांस दिया गया है। और जो मिनिमम एज यहाँ पे का है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एज जो है वो आपकी 18 ईयर्स मिनिमम एज है, 18 to 24 ईयर्स तक। उसके बाद गाइस नीचे रिलैक्सेशन भी है कुछ, अब वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे लिखा हुआ गाइस रिलैक्सेशन, देख सकते हैं आप लिखा रिलैक्सेशन, आप जो SC ST के बच्चे हैं, SC ST कैंडिडेट्स 5 ईयर्स, SC ST फिजिकल ऑर्थोपेडिकली हैंडीकेप कैंडिडेट 15 ईयर्स, OBC 3 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट बाय 3 ईयर्स इन द एडिशन ऑफ लेंथ मिलिट्री सर्विस फॉर द चिल्ड्रन फैमिली मेम्बर्स ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 रूट्स ऑफ 3 ईयर्स। द मैक्सिमम एज लिमिट आप रिलैक्सेशन कम्बाइंड नॉट एक्सिस 45 ईयर्स। रिलैक्सेशन का मतलब यहाँ पे यहाँ के जो भी 45 साल से ऊपर नहीं हैं उनके लिए चांस दिया गया, बाकी में इन्होंने बोला कि 24 ईयर्स तक आपको है, लेकिन अगर कोई कैटेगरीज में है तो वो 45 तक होंगे तो वो भी एलिजिबल हैं, इस तक भर सकते हैं। इसके बाद नीचे बात करते हैं तो यहाँ आपको दिखा हुआ है लास्ट डेट, और इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट डेट लिखा हुआ है, एप्लीकेशन लास्ट डेट फॉर रिसीट एप्लीकेशन वो है 5/3, यानी 5 दिन इतने को लास्ट डेट है इसकी, एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर 5 इतने इतने विल नॉट बी एंटरटेन, इसके बाद आपका कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके बाद इंसेंशियल क्या बोला गया नीचे गाइज, यहाँ पे आप ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है गाइज द कैंडिडेट शुड बी द डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉर विच दे आर अप्लाइंग। वो बंदा जो अप्लाई करेगा उस डिस्ट्रिक्ट के लिए करेगा जिस डिस्ट्रिक्ट से वो बिलोंग करता है, जिसको वहाँ की डोमिसाइल है। द एप्लीकेशन कैन बी अप्लाई फॉर 1 डिस्ट्रिक्ट ओनली, और आप एक ही एप्लीकेशन आप एक ही डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नीचे क्या गाइज वो भी दिखाता हूँ, और गाइज बोला गया है यहाँ पे कि द सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द मेरिट बेस, जो सिलेक्शन होगी वो आपकी मेरिट बेस पे ही होगी,
ओनली, मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑब्टेन फ्रॉम 10th and 12th. वो जो आपके परसेंटेज बनेगी गाइस, वो बनेंगे 10th and 12th के बीच. परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन 12th क्लास इक्विपमेंट वेटेज 60%. 60 आपकी जो 12th है, 12th के गाइस आपको 60% मार्क्स हैं, और जो 10th के हैं वो हैं 40%. उसके हिसाब से आपका मेरिट बनेगा. इन केस आप परसेंटेज ऑफ मार्क्स शो कैलकुलेट अप टू 2 डोमिसाइल पॉइंट्स बिंग इक्वल टू डेट ऑफ बर्थ. अगर किसी बंदे की 10th के भी और 12th के भी मार्क्स एग्जैक्ट निकले, देखिए ध्यान से सुनना यहाँ पे, किसी भी अगर 10th और 12th के बच्चे के मार्क्स मैच कर रहे हैं, सेम 10th में भी हैं और 12th में भी सेम हैं, तो उस बेस पे क्या होगा गाइस, तो वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, और जो जिस बंदे की एज ज़्यादा होगी उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा. गाइस है कि हाउ टू अप्लाई, आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं. एप्लीकेशन फॉर्म एज पर फॉर्मेट अटैच, जो वेबसाइट है इनकी वेबसाइट भी मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे आपने क्या गाइस करना है, जो आपका फॉर्मेट बना हुआ है फॉर्म का, वो फॉर्मेट अटैच करना है. साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बोले गए हैं, जैसे आपके यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स. पहली बात आपको बोला गया डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, यानी 10th का मार्क्स का ज़रूरी है. वोटर कार्ड ज़रूरी है, पैन कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एट्सेट्रा. डल साइंड बाय द एप्लीकेंट शुड रीच इन द ऑफिस बाय. वो आपको अटेस्ट कराने के बाद आपने 5/3/2021 तक पहुंचा देने हैं उस दफ्तर में. और कहां पहुंचाने में, वो आपको बताता हूं. देखिए यहां पे अगर कहीं आप बाहर हैं तो आपने क्या करना गाइज, इस एड्रेस पर आपने वो भेजने हैं. एड्रेस गाइज आपके पास ये वाला है. आपने क्या करना, पोस्ट ऑफिस से इस एड्रेस पे आपने ये अपने डॉक्यूमेंट्स डाल देने हैं स्पीड पोस्ट करके एक एनवलप में. ध्यान से देखा गाइस, ये वाला आपका है जिसमें लिखा है डिप्टी सर्कल हेड पंजाब नेशनल बैंक सर्कुलर ऑफिस रेल हेड कॉम्प्लेक्स गुप्ता टावर बहू प्लाजा जम्मू. ये जम्मू का एड्रेस है गाइज, जिसका पिन कोड है 18012. इसके जरिए आपने स्पीड पोस्ट करना है. तो गाइज ये जो आपकी वैकेंसी है, तो पहले भी मैंने आपसे बात की कि ये जो है प्योन की है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्योन डिस्ट्रिक्ट, और अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्मेट ये है. तो अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्मेट ढूंढ देखना है तो गाइज ये है वेबसाइट पंजाब नेशनल बैंक की, www.pnbindia.com. यहाँ पे आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा. इस पे आप जाके एप्लीकेशन फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं. गाइज यहाँ पे बोला गया कि अगर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन इफ एनी फॉर्म विल बी सिमिलरली रिजेक्टेड, अगर किसी का इनकम्प्लीट फॉर्म होगा तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा. और लास्ट में लिखा गया द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सो अप्रूवल विल बी डिस्प्ले ऑन द नोटिस बोर्ड PNB सर्कल ऑफिस जम्मू. और जब जिसकी सिलेक्शन होगी वो जम्मू PNB का जो है वहाँ पर इसकी उनकी लिस्ट को डिस्प्ले कर दिया जाएगा.